नमस्ते सुई धागा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेबी फ्रॉक बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है। हम पहली बेबी की चोली काटने बताएंगे। बेबी की छाती का नाप लेंगे। छाती बेबी के 10 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 इंच। ये देखो 11 इंच, 11 इंच हो गए। उसके बाद में हम उसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर हम बेबी की लंबाई लेंगे, चोली की लंबाई हमारी होनी चाहिए 9 इंच। तो हम लेंगे इसको, अगर गर्मी आएगी तो बिना बाजू की बनाएंगे, बिना स्लीप की। तो इसको हम 2 इंच इसको ऊपर से पट्टी लगाएंगे तो हमारा ये होगा 9.5 इंच। इधर से सिलाई में जाएगा, इधर से सिलाई में जाएगा, तो हम 9.5 इंच लेंगे। उसके बाद में हम बेबी का तीरा लेंगे हम 5 इंच, डबल कितना होगा 4.5 इंच, कितना होगा 9 इंच। तो यहाँ से हम ये देखो 4.5 इंच पे हम इसको यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे ऐसे यहाँ से, यहाँ से निशान लगाएंगे। मुंडा कितना चाहिए बेबी का, हमने चाहिए मुंडा 5.5 इंच। तो 2 इंच तो ये मैंने बोला आपको पट्टी लगाएंगे इधर से, तो 2 इंच ये छोड़ के होगा 5.5 इंच पे, ये इधर से ऐसे यहाँ से हम ऐसे गोलाई देंगे, ऐसे ये गोलाई होगी। इधर से फिर हम बेबी का गले लेंगे, फिर उसका गला कितना 2 इंच, ये 2 इंच यहाँ से गला, गला की गहराई होनी चाहिए 4 इंच। तो 2 इंच हमने वो ऊपर को ये पट्टी के लिए बताई, पट्टी जुड़ेगी तो 2 इंच ये आ जाएगा और 2 इंच ये 4 इंच पे ये निशान लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से इसकी गोलाई दें, गोलाई ऐसे, ये इसकी गोलाई होगी। यहाँ से फिर हम कटिंग करेंगे इसको, ये आगे का हिस्सा होगा, ये पीछा का भी हम ऐसे ही करेंगे। पीछा का वही मुंडे लेंगे इसका 4.5 इंच और ये इधर से वही 5.5, ये 2 इंच छोड़ कर ये 5.5 हो गए। इसमें ऐसे पीछा का गला हम कम करते हैं, 2 इंच की तो पट्टी हो गई और 1 इंच और लेंगे बस। यहाँ से ये 4 लिया था, ये हम 3 लेंगे। यहाँ से वही चौड़ाई 2 इंच, ऐसे फिर इसको कटिंग करेंगे। इसको हम बंद भाग को हम यहाँ से कटिंग देंगे कि एक बटन पट्टी लगेगी और एक काज पट्टी लगेगी। इस पर हम एक एक पट्टी इस पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ये हमारी पट्टी है तो ऐसे हम ज्वाइंट करके इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। तो एक काज पट्टी और एक बटन पट्टी, ये हमारी बेबी की फ्रॉक की जो उसको बेल्ट बोलते हैं बांधने के लिए, ये 11 इंच की हमने इसकी बेल्ट निकाली। इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इधर से और फिर उसकी तनी होगी। उसके बाद में हमारी ये 11 इंच इसकी चौड़ाई है बेबी फ्रॉक की, तो ये हमारा नीचे का भाग होगा, ये डबल होना चाहिए। ये हमारा 11 इंच चौड़ाई है तो उसका डबल ऐसे दोनों में डबल, तो ये हमारा डबल चुन्नट डालने के लिए ऐसे हमारी डबल हो जाएगा। इसमें हम चुन्नट डाल लेंगे, ये हमारी 2 इंच की पट्टी जो ऊपर बताई कांधा पे लगाई गलाई साइड में, ये 2 इंच की पट्टी हो गई हमारी। ये हम अपनी मर्जी है कहीं भी डिजाइन डालो तो उसके ऊपर डिजाइन डालेंगे ऐसे फोल्ड करके, वो हमें आपको अभी सिलना बताएंगे। चलो आज हम अभी हमें आपको सिलाई करने लगे।
ये हमारा अगला का हिस्सा है, ये हमने साइड से इधर से सिलाई मार दी है। आप पाइपिंग भी लगा सकते हो और इसमें सिलाई भी मार सकते हैं। ये क्या है, मुद्दा बाजू कटिंग। अब ये है हमारा गला, अभी इस गला पर हम फिर अभी पाइपिंग लगाएंगे। ये हम पाइपिंग लगाएंगे, ये हमने ये 2 इंच की जो मुद्दा पर बताई थी ये पट्टी कट सिलाई मारे, सिलाई लगा दिया। अभी हम पाइपिंग लगाएंगे इसको गला ऐसे, पाइपिंग को खींच के ये हमारी पीछा का, ये बटन पट्टी बाहर की तरफ बाहर निकाली और काज पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी, ये हमने बाहर की तरफ निकाल दी। अभी हमने दोनों को ऐसे ऊपर रख के सिलाई लगाई। आपको जितना एक बटन लगाना है तो इधर तक सिलाई लगाओ, और 2 बटन लगाना है तो इधर तक लगाओ, जो आपकी मर्जी है। मेरे को 1 बटन लगाना है तो मैं इसको 2 इंच, ये 2 इंच छोड़ के यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा इसको, ये इसको ऊपर बटन पट्टी में, और ये ऐसे सिलाई लगाई। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे भी, हम इसको पाइपिंग लगाएंगे। पीछे वो पाइपिंग लगाई थी, अभी ये आगे वाला गला की पाइपिंग होगी, और अभी मैं पीछे वाला गला की पाइपिंग लगाऊंगा यहाँ तक। यहाँ तक इसको सिलाई लगा, अभी इस पर भी ऐसे ही यहाँ से करो।
इसको फिर यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। इसको भी ऐसे है, ये हमारी दोनों तरफ से पाइपिंग लग गई। ये पीछे वाला थोड़ा छोटा होता है। अभी हमने ये आपको दो दो इंच की पट्टी बताई थी, ये वाली हमने यहाँ से सिलाई मार दी, ये डबल होगी। हम इसको इधर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा है, इसमें ऐसे चुन्नट डाल देंगे छोटी सी, ये भी इसको ऐसे सिलाई करेंगे। दूसरी ऐसे ही इसमें यहाँ से इसमें चुन्नी डाल दी। इसमें डबल सिलाई लगाई, डबल सिलाई आ जाएगा। अभी पीछे वाला में भी हम ऐसे ही करें, एक सिलाई यहाँ से ऊपर से ऐसे, अब ये पीछे वाला भाग है, इसमें भी हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे इसको ऐसे चुन्नट, इसमें ऐसे ये पट्टी ऐसे दोनों उल्टी यहाँ से इसको ऐसे लगाए। ये होगी ज्वाइंट, इसको भी ऊपर से ऐसे सिलाई लगाई। अब हमने दो बेल्ट बताई थी पीछे बांधने के लिए बेबी की फ्रॉक कतनी, अब इसको एक को सिलाई लगा दिया, अब इसको भी ऐसे सिलाई लगाए।
वो हमारा आगे और पीछे का दोनों का तैयार हो गया। ये इधर से बिना स्लिप की ऐसे ये मुड़ा हो जाए, ये सिलाई हो गई। अभी हम इसको पट्टी को सीधा करेंगे। दोनों बेल्ट तैयार हो गया अभी, और ये भी हो गए। अभी हम आपको चुन्नट डालनी बताएंगे, और ये इधर से एक सिलाई लगानी बताएंगे। ये ऐसे डबल करेंगे इसको, कोई भी साइड से, एक साइड से हम इसको यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इधर से सीधा साइड की। ये बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट को ऐसे नीचे की तरफ लगाएंगे, एक इंच आधे इंच छोड़ कर। आने वाले बच्चों को, ये बेबी को, ये दोनों ऊपर और नीचे का पल्ला दोनों इसमें हम ज्वाइंट करेंगे ऐसे। ये सिलाई लगाएंगे इधर से हम इतना छोड़ेंगे कि ये प्लेट डालेंगे, ये सिलाई आनी चाहिए बस। इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे, चुन्नट डालनी बताएंगे। अभी ये हमारी बेल्ट हुई ज्वाइंट, अभी हम चुन्नट डालेंगे। अब कोई भी भाग पकड़ो, इससे हमारा कपड़ा डबल होना चाहिए चुन्नट डालने के लिए। ये हमारा नीचे का घेर है फ्रॉक का, फिर हो गए तो सर हाथ इसको क्या करूँ फिर। हम आपको चुन्नट डालना बताएंगे। देखो ये बेल्ट लगा दिया हमने, अभी ये चुन्नट डालें। ये कपड़ा है हमारा नीचे का घेर के लिए, ये डबल होना चाहिए, डबल इससे डबल यहाँ से नापो, ये डबल। अभी हम चुन्नट शुरू करेंगे, इसको बीच से कट करेंगे, दोनों तरफ बराबर चुन्नट आए, बीच के अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों में चुन्नट आए। अभी हम यहाँ से चुन्नट डालने शुरू करेंगे। फ्रॉक हमारी नीचे सीधी, और ये हमारा उल्टा कर ऐसे ऐसे चुन्नट डालेंगे।